बच्चों, हमें अपने आसपास बहुत से जीव दिखाई देते हैं। इन जीवों में बहुत सी समानताएं और असमानताएं भी होती हैं। इन समानताओं के आधार पर ही हम उन्हें समूहों में बांटते हैं, जैसे कि मानव का समूह, जीव जंतुओं का समूह, पेड़ पौधों का समूह। इन बड़े समूहों को हम और भी छोटे समूहों में बांट सकते हैं, जैसे कि जानवरों के समूह में घोड़े का समूह, बिल्ली का समूह, शेर का समूह। और इसी प्रकार आप पेड़ पौधों में नीम के पेड़ का समूह, आपके पसंदीदा फल आम के पेड़ का समूह, इन समूहों में आप उन्हें किस तरह से बांटते हैं, उनमें पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षणों की समानता के आधार पर। पर क्या एक समान दिखने वाले या एक ही जाति के जो जीव होते हैं उनके सारे लक्षण एक जैसे होते हैं? आइए इस बात की जांच हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से करते हैं। इस क्रियाकलाप के लिए हमने दो एक समान दिखने वाले पौधे लिए हैं। इन दोनों पौधों की तुलना हम कुछ बिंदुओं पे करेंगे, जैसे कि इन दोनों पौधों के तने की लंबाई, पत्तियों की संख्या, पत्तियों के आकार व आकृति, पत्तियों का रंग, पत्तियों के किनारे और शिरा विन्यास। चलिए इसकी तुलना के लिए हम सबसे पहले तने की लंबाई नाप लेते हैं। तने की लंबाई नापने के लिए हमारे पास ये मेजरिंग टेप है, जिससे हम पहले पौधे की तने की लंबाई नाप लेते हैं। ये देख सकते हैं आप कि हमें तने की लंबाई 26 सेंटीमीटर प्राप्त हुई है। ठीक है, तो आइए हम इसे नोट कर लेते हैं। पौधे एक में हमें तने की लंबाई 26 सेंटीमीटर प्राप्त हुई है। इसी प्रकार हमें दूसरे पौधे की तने की लंबाई भी नापनी होगी। दूसरे पौधे की तने की लंबाई हम ले लेते हैं। ये देखिए, इसके तने की लंबाई हमें 24 सेंटीमीटर प्राप्त हुई है। इसे भी हम नोट कर लेते हैं, 24 सेंटीमीटर। चलिए अब हम दूसरे लक्षण पे चलते हैं, पत्तियों की संख्या। बच्चों, तो चलो हम अब दोनों पौधों की पत्तियों की संख्या गिन लेते हैं। पत्तियों की संख्या आप पहले ही देख सकते हैं कि इस पौधे में हमें पत्तियां ज्यादा दिख रही हैं। फिर भी चलिए इसे गिनकर देखते हैं। इस पौधे में पत्तियों को गिनने के लिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। अब हम दूसरे पौधे में पत्तियों को गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 37, 37, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127,
मदद प्राप्त हुई है, इसे भी हम नोट कर लेते हैं। हमें पौधे एक में कितनी मिली थी पत्तियों की संख्या? 26, और दूसरे पौधे में हमें पत्तियों की संख्या मिली है 37। चलिए अब हम बात करते हैं इन पत्तियों के आकार और आकृति की। तो आप देख सकते हैं कि इन पत्तियों के आकार और आकृति के बारे में, इनके आकार छोटा है और इसमें कुछ पत्तियां ऐसी हैं जिनके आकार बड़े हैं। कुछ पत्तियों के आकार इसमें भी छोटे हैं और इसमें भी छोटे हैं, क्योंकि ये पत्तियां अभी और बढ़ने वाली हैं। इसी प्रकार अगर हम इनकी आकृति की बात करें तो इनकी आकृति हमें समान दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं, देखिए इनकी आकृति आपको एक जैसी दिखाई दे रही होगी, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम अगर पत्तियों के रंग की बात करें तो पत्तियों का रंग कहीं हमें ज्यादा हरा दिखाई दे रहा है तो कहीं पर कम हरा दिखाई दे रहा है। इस पौधे में भी हमें पत्तियों का रंग कहीं ज्यादा गहरा दिखाई दे रहा है, कहीं कम हरा दिखाई दे रहा है। इसका कारण पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश का कारण होता है। जब सूर्य का प्रकाश सामने से आपको जिन पत्तियों पर पड़ता है उनका रंग अलग, और जिसमें सूर्य का प्रकाश कम पड़ता है उसमें पौधे की पत्ती का रंग अलग हो जाता है। इसके पश्चात पत्तियों के किनारे, बच्चे देखो पत्तियों के किनारे, यहाँ देख सकते हैं आप पत्तियों के किनारे इसकी डिजाइन, और इस पौधे में भी पत्तियों के किनारों की डिजाइन आप देख रहे हैं बिल्कुल समान है। तो हमें दोनों पौधों में पत्तियों के किनारे समान दिखाई दे रहे हैं।
इसके बाद अगर हम बात करें इसके अगले लक्षण की ओर, जो कि कहलाता है शिरा विन्यास, तो देखिए पौधे का शिरा विन्यास। मुख्य शिरा आपको दिखाई दे रही होगी, जिसके चारों तरफ शिराएं जाल रूप में फैली हुई हैं। इसे हम जालिकावत शिरा विन्यास कहते हैं। इसी प्रकार पौधे दो की पत्ती का शिरा विन्यास देखते हैं। यहाँ भी आपको मुख्य शिरा दिखाई दे रही है, जिसके चारों तरफ जाल रूप में शिराएं हैं, अर्थात हमें दोनों पौधों का शिरा विन्यास समान प्राप्त हुआ। बच्चों, इस प्रकार हमने पाया कि एक समान दिखने वाले दो पौधे कुछ लक्षणों में तो समान थे, परंतु उनके कुछ लक्षण असमान भी थे। जैसे उनकी तने की लंबाई, हमने देखा कि पौधे एक की तने की लंबाई 26 सेंटीमीटर और पौधे दो की 24 सेंटीमीटर थी। पत्तियों की संख्या में भी परिवर्तन था, पत्तियों के आकार वो भी परिवर्तित थे, कुछ छोटे और कुछ बड़े थे, परंतु इनकी आकृति समान थी। पत्तियों के रंग कुछ हल्के हरे, कुछ गहरे रंग के थे और कुछ पीलापन लिए हुए थे। पत्तियों के किनारे समान थे और उनके शिरा विन्यास भी समान थे। तो इस प्रकार एक समान दिखने वाले पौधे भी कुछ विशिष्ट लक्षणों में समान होते हैं, परंतु उनके कुछ लक्षण असमान भी होते हैं।